सो गाइस यूएमटी की एक और अपडेट आने वाली है, और ये अपडेट आने वाली है, न कि अभी आया हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि यूएमटी की एक नई अपडेट आ चुकी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएमटी की एक अपडेट आने वाली है। अभी आपको मैं चेक कराता हूँ और डिटेल्स में बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर पहले चलते हैं यहाँ पर, और ये देखिए सपोर्ट एक्सिस मैं ओपन कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर समय लगेगा, ओपन होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा होगा, अभी भी फिलहाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपडेट आएगा बहुत जल्द, और ये चीज़ आप भी जान सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। कैसे जानना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्रोम पे, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं GSM फोरम। ये एक सॉफ्टवेयर लाइन की बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे मैं एक बहुत ही कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, आपको कल या परसों ये वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट से कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये वेबसाइट किस काम में आती है, पूरी डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। फिलहाल मोटा मोटी बता दूँ कि जितनी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं, या फिर जितनी भी तरह की सॉफ्टवेयर बॉक्स हैं, मेरिकल है, मेरिकल थंडर है, ये UMT है, अनलॉक टूल है, इसके अलावा EGGTech है, UFI है, जितनी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पेंडोरा वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है, और हर वेबसाइट की नई अपडेट इसके अंदर आती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि ये वेबसाइट कैसी है, कैसे यूज करना है, हर चीज़ पता होगा, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है उनके लिए वीडियो है, और साथ ही जिनको पता है वो भी एक बार देख लीजिए टाइम पास के लिए, हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट एक तरह से आपको तीन चार काम नहीं, मल्टीपल काम में आ सकता है। पहला तो आप इसमें अपडेट देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं, क्या क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत जल्द अपलोड करूंगा, जिसमें आपको बताया हूँ ये सारी सेक्शंस का मतलब क्या है, कैसे क्या यूज़ करना है। और फिर भी अगर आपको डाउट होगी तो इस पर और भी वीडियो आने वाली है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कल या परसों वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा, फिर आगे आपको इस पर बहुत सारी सीरीज मिलेंगी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वेबसाइट जो है ये किस किस काम में आती है। तो आपको सबसे पहले तो मेन जो है वो मैंने उस वीडियो में बता दिया, अभी के डेट में हमको बस टॉपिक अपना टॉपिक जो कवर करना है वो है सिर्फ UMT पे। तो यहाँ पे मैं UMT पे ही टॉपिक कवर करूँगा, तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो अभी हमारा ये जो बॉक्स है छोटा हो चुका है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अब देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले चले आना नीचे, नीचे आके आपको एक इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी है। हालांकि मेरे पास आईडी ऑलरेडी है, आप भी बना सकते हो क्लिक एन रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे जाके ये देखिए। इसको एक बार बैक करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए हमारी आईडी जो है लॉगिन है, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे लॉग आउट करूंगा तो आ जाएगा, ये देखिए ये मैं कर दिया लॉग आउट। अभी देखिए यहाँ पे आपका जब लॉग आउट कर दिया आप, तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, और टर्न टू गो टू हम फॉरम इंडेक्स पे चले जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये है इसका मेन पेज, और यहाँ पे आप देखिए क्लिक हर टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। हालांकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तभी हमारा मुद्दा है UMT। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टुडे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और टुडे पोस्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, पूरा नीचे चले आना है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे नीचे में आपको क्या करना है, UMT टाइप करना है, यू। तो यहाँ पे यू टाइप करेंगे तो ये देखिए यूनिवर्सल GSM टू सॉफ्टवेयर यू से, देखिए जितने भी यू से नाम से है सब आ जाएंगे। तो ये देखिए अनलिमिटेड मल्टी टूल GSM, यानी कि हमारा हो गया UMT। तो UMT को जैसे ही मैंने खोला तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसेलर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो कि इसमें जुड़े हुए हैं, और उनकी अपडेट्स वगैरह जब वो क्रिएट करते हैं तो पहले ही यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को, ध्यान से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए 23/2/2023 को आपको अपडेट मिली थी अल्टीमेट मल्टी टूल की, जो कि वर्जन 0.3 था, और यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिली थी, और उसी सीरीज में आपको एक अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है 4/3/2023 को, और ये अपडेट है UMT प्रो UNESCO मॉड्यूल का 0.3 वर्जन 0.3। हालांकि वर्जन 0.1 चल रहा है, तो इन्होंने 2 को गैप करके डायरेक्ट 3 को रिलीज करने का यहाँ पे कहा है, फास्ट अनलॉकिंग की तरफ से ये बताया गया है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे UNESCO मॉड्यूल 0.3 UNESCO अल्टीमेट
यूनेस्को टूल, और इसको अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, ये सबसे खास चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए आपको रियलमी के फ़ोन जो थे जिसमें स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा हुआ था उनको आपको सॉफ्टवेयर करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, हालांकि आप हाथ से कर ले रहे थे लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा लग जाता था। तो अभी ऐसे में ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि ये टूल अभी लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो रियलमी C11 2021, C25Y, C21Y, सिम लॉक बेटा मोड में और फॉर अदर फंक्शन ऑलरेडी सपोर्टेड यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा सैमसंग की बात करेंगे तो सैमसंग में बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिनको सपोर्ट किया गया है, और यहाँ पे GTE फोन का, आईटेल का ये सारे मॉडल देखिए कितने अच्छे अच्छे मॉडल को यहाँ पे ऐड किया गया है। माइक्रोमैक्स से कुछ मॉडल को ऐड किया गया, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये सब CPU हैं जो कि यहाँ पे सपोर्टेड है जो कि पहले नहीं थे। यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपडेट यहाँ पे किया गया, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कस्टमर के लिए सपोर्ट दिया गया और इम्पोर्टेंट कुछ नोटिस वगैरह भी दिया गया है। तो अभी मैं सिर्फ आपको मेरा बताने का मकसद ये था कि ये सारे अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे मॉडल सपोर्टेड हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मॉडल हैं जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। खासतौर पे रियलमी के फ़ोनों में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था, लेकिन आईटेल के फ़ोनों में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आती थी FRP वगैरह करने में। तो अभी आपको सारी चीज़ें आसानी से करने को देखने को मिल जाएगी। तो अभी आपको जब ये अपडेट आएगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा, जब UMT में ये अपडेट किया जाएगा बाकायदा तब जाके उस टूल को ओपन करके मैं बताऊंगा। बट ये अपडेट देखिए कब आता है, हालांकि आज के डेट में इसको रिलीज किया गया, कल के डेट में इसको बताया गया है, अभी कितने दिन में अपडेट किया जाता है आपको कब देखने को मिल जाएगा, या आज या कल में मुझे लगता है देखने को मिले, बट अभी कन्फर्म नहीं कह सकते हैं जब तक ये अपडेट आएगा नहीं। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट था, और ये बताने का मतलब था कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस टूल मतलब इस वेबसाइट पर आके पहले से ही इस चीज़ को देख सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि कौन सी अपडेट किस टूल में आने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जान सकते हैं। और बहुत जल्द इस वेबसाइट पे एक पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।